नाजरीन आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर वो मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्मे आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्ला खादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि 11 दिसंबर 2022 को कर्नूल के मोरियाइन फंक्शन हॉल में तेलुगुदेशम पार्टी मुस्लिम कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर तेलुगुदेशम पार्टी और कर्नूल के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज टीजी भरत ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ऑफिशियली टीडीपी टाउन मुस्लिम कमेटी का जो है डिक्लेयर किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आने वाले इंतखाबात में तेलुगुदेशम पार्टी बड़े पैमाने पर कामयाब होने जा रही है और वो अगले कर्नूल के एमएलए बनेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अकलियतें बड़ी तादाद में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वाईसीपी हुकूमत मुस्लिम अकलियतों को कामयाबी और तरक्की देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि कर्नूल में किसी किस्म की ख़ास तरक्की नहीं हुई है। इस मौके पर उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी टाउन मुस्लिम कमेटी को जो है डिक्लेयर किया, जिसमें बतौर सदर अब्दुल हमीद साहब को चुना गया, जबकि वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर अब्दुल रज़ाक, नायब सदर ज़ुबैर अहमद, नायब सदर इमरान सलीम, नायब सदर मुस्तफ़ा ख़ान यानी नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है मुंतखब किया गया। इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से महबूब बाशा को मुंतखब किया गया। मीडिया इंचार्ज की हैसियत से अब्दुलजब्बार साहब को मुंतखब किया गया। आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो है मंसूर साहब रहे और आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सलीम खान, आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गौस, आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ख्वाजा मोदीन, आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ज़िया और सेक्रेटरीज़ की हैसियत से शेख मुन्ना, शाहनवाज, ख्वाजा दस्तगीर, महबूब अब्दुल्ला और अनवार को मुंतखब किया गया। इस मौके पर कर्नूल माइनॉरिटीज़ तेलुगुदेशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो कर्नूल टाउन के हैं एडवोकेट शेख जहांगीर बादशाह और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। इस मौके पर टीजी भरत के हाथों उन्हें असनाद भी तकसीम किए गए, यानी जो सर्टिफिकेट है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और दीगर पोस्टों के जो है ऑर्डर्स भी जो है उन्हें दिए गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुस्लिम अकलियतों ने शिरकत की। इससे जो है काफ़ी अपोजिशन के दिल में काफ़ी जो है डर पैदा हो चुका है, क्योंकि बड़ी तादाद में मुस्लिम अकलियतों ने टीजी भरत की तायीद की है। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्ला खादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बआसानी से दस्तियाब हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर सोशल मीडिया में शेयर करें। आगे सेक्रेटरी पी
मैं माफ भी सम रहा फोटो लाने मंसूर अहमद और नेक्स्ट है आगे देख शेख अहमद दस्तकीन गला फोटो शेख दौस मोहिनुद्दीन उन्होंने पांच आउट ठहरा उन्होंने बोल ले अभी लास्ट आए हैं मुन्ना भाई तमाम जितने भी ले लिए ना कुछ फेस का आइटम बैठे कुछ हाँ ओके टाउन कमेटी का डिक्लेरेशन हुआ मुस्लिम कम्युनिटी के वास्ते हमारे टीडीपी पार्टी जो भी मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया और मैनिफेस्टो के साथ एक्सपेशली हमारे टीजीबी फैमिली घूम के लिए क्या क्या काम करे बोलना बोले तो हमारे भाया सोपचे ने भी किताब बनती है किताब ऐसा लीडर को छोड़ के हम लोग कुछ भी काम नहीं करते सर लीडर्स का हम ले रहे इसीलिए मेरे भाइयों में मैं एक ही अपील कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं कहीं बोले तो अभी हमारे चीफ गेस्ट से बात करने आए सर जो मुझे एक तलब थी कि आपके इलेक्शन में ऐसे नौजवानों की टीम आपके साथ रहे तो ये बार जीत पक्का होती सर आपकी क्यों बोले तो 2019 इलेक्शन में ऐसे बड़े लोग नहीं थे सर आपके पास नौजवान लीडर्स आज सीनियर्स लीडर्स भी है और फ्रेशर्स भी आ गए सर यंगस्टर्स ये बार अच्छा काम करेगा ये 20 मेंबर्स है सर आपके लिए एक 2000 से भी ज़्यादा वॉरियर्स के जैसे काम करेगा सर आपके लिए ये हमारा कमेटी का मकसद यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे भरतसार क्या क्या काम करे बोलने का मैं चार बातें लगता था सिंपल लॉजिक से एक आकर उर्दू यूनिवर्सिटी के वास्ते सार फाइट कर रहे हैं और दूसरा यूनानी कॉलेज के वास्ते सार अपने वोन पॉकेट से 3-4.5 लाख रुपए का वैल्यूबल बेड्स और मटेरियल दिया है हॉस्पिटल के वास्ते सार पावर में नहीं फिर भी एक लेकिन हमारी कौम की हॉस्पिटल है वो गरीब की हॉस्पिटल है इसीलिए सार ने यूनानी कॉलेज को डोनेट करे मैं ये बोलना चाह रहा हूं करुण में इतने बड़े मालदार हैं हमारे कौम में बड़े बड़े बातें करते हैं तकरीर करते हैं मीडिया के सामने आकर लेकिन उनका दिल क्यों नहीं कि देना बोलने का फिर आप लोगों को भटकाते कि भरत सार बड़े सार बीजेपी वीएचपी बोलते ये बार सार मैं इतना वादा करता हूँ हमारे कौम में एक मौका दिए वो लोग क्या काम करेंगे हमारे अपने को तुम्हारे से भी ज़्यादा मालूम है इसीलिए सर मैं ये बात बता रहा हूँ हमारे टी जी वेंकट सर को 2009 में यही गड्ढा यही वर्ल्ड सिटी से फुल मेजॉरिटी दिए थे सर मुस्लिम वोट्स वैसे ही इंशाल्लाह ये बार भी आपको वैसे ही वोट मिलेगा क्या बात क्या बोलते हैं आप लोग अब रही बात ये बात तो मैं बोलना जरूरी है यही प्लेटफॉर्म सही है जो मेरा पर्सनल एक बात बोलना चाह रहा हूं सारा इजाजत है आप कुछ भी नहीं समझना ये बात मैं बोल रहा हूं मैं इधर टीजीबी ग्रुप में 17 साल से रहता हूं पॉलिटिकल से मैं क्या सार का एम्प्लॉय नहीं हूं
सार के ना मैं कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा हूं, ना सैलरी नहीं है मेरे को, फिर मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूं भाई परसा टीजी फैमिली को? मेरे को मेरे कौम इंपॉर्टेंट, मेरे कौम के राइट्स इंपॉर्टेंट, प्यार ले लिया हमारा सार भी इंपॉर्टेंट है मेरे को। मेरे बहुत जने बोलते ये टीजीबी का पालतू कुत्ता है जाएंगे, हाँ मैं पालतू कुत्ता हूं, मोहब्बत का कुत्ता हूं, वो मोहब्बत मेरे को वहां मिल रही। मैं सार के पास क्या भी लेके जाऊ का ग्रेवियंस, भरसा रंधे भरसा रंधे हर काम करके भेजे है हमारे को, मुसलमानों के लिए भी काम करे वो लोग, मैं ही कराया हूं कितने अभियान के, कभी भी सर उफ नहीं बोले। अभी मेरे को बातें करते तेरा वो तेरा काम तू कब देखता भाई बोलते, अभी काम करो तुम लोग कम्युनिटी में काम करो, गरीब तबके के लिए काम करो, मैं काम करने तैयार हूं बोलते, बड़े सार बंदे छोटे सार बंदे। अब रही बात मेरी पर्सनल बात, रिसेंटली चला समय बोलना मेरे लिए जरूरी है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक सिक्स मंथ्स बैक भरत सार की एक दिल की अच्छाई बताना चाह रहा हूं मैं, हम लोग मोहब्बत से मोहब्बत करें तो उसके सामने कोई सभी वैल्यूबल थिंग्स नहीं रहते। एक छह महीने के पहले मेरी बीबी सीरियसली शुगर टाइप ज्यादा हो जाए को सीरियसली हमको गौरी गोपाल में एडमिट किया। मैं भरत सार सिर्फ फोन में बोला सर आउट ऑफ स्टेशन, ये बात सुनो भाई प्लीज, मैं ये बात कहीं बताना चाह रहा हूं बोले तो, ऐसा एक शख्स मोहब्बत से ये लोगों से हमें ताल्लुकात रखे तो ये लोगों से हम काम कैसे काम पे कैसे टाइम पे लोग काम आते कैसे वक्त पे काम आते हैं ऐसे इंसान, ये एक नमूना देना चाह रहा हूं मैं ओपनली। आज मजबूर है लेकिन मैं बोलना जरूरी है, जब मेरी बीबी छह महीने के पहले जून में शुगर टाइप ज्यादा हो जाकर ब्रेन डैमेज हो को सीरियसली एडमिट हो गई गौरी गोपाल में, जब मेरे जॉब में पैसा नहीं, मैं सिर्फ भरत सर हूं क्या बोला सर मेरे बीबी को मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं सर गौरी गोपाल को प्लीज बोला, मेरे को नहीं मालूम सर साथ ही अपने टोटल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलकर मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट 58 डेज दिया सर मेरे को, कितना दिन 58 डेज दिया सर मेरे को, वो है सार, वो जो सार का मदद मैं जिंदा है तक मैं नहीं भूलता सार आपके लिए, ऐसा इंसान है ये। हॉस्पिटल में गए तक को वीआईपी ट्रीटमेंट, मेरे पास पैसा नहीं पाया, मैं छोटा जान मेरा, मैं डेली मोजरी के जगह मेरा एडवोकेट है तो भी मोजरी की जिंदगी मेरी, मेरे पास उतना पैसा नहीं, सार ने अपना जॉब से लाखों का खर्चा कर घर मेरा वाइफ को सेव करा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये है हमारा भरत सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोग भी सार से मदद मोहब्बत रखो, भरोसा करो सार को, ये फैमिली ऐसी फैमिली है जो भरोसा कर सके इंसान के साथ मौत दम तक भी साथ देने की फैमिली है ये, ऐसा इंसान की एक मौका दो प्लीज, एक मौका मेरे भरत सार को दो, आपकी मोहब्बत से एक बार उनको चुना के एमएलए बनाकर एक बार मौका दो भाई लोग, ये ऐसा इंसान है, ये लोग भरोसा कर से इंसान के वास्ते कहां तक भी जाता, बड़ा सार रहते छोटा सार रहते, यही बात मैं बोलना चाहता था। और सर मेरा जो जिम्मेदारी थी जो टाउन कमेटी बनाने का, इसमें मेरे को मैं महबूब भाई इब्राहिम भाई ये चारों मिलकर ये बहुत प्लान करके ये कमेटी को जुड़े सर, मेरा वर्क तो कंप्लीट हुआ सर, आज मैं आपसे थोड़ा मेरे को रेस्ट लेना चाह रहा हूँ सर, ये मौका आप दिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।